वेलकम बैक एसआर ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हमारे एसआर ब्लॉग को जितना हो सके आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करते रहिए। आज का दिन शुक्रवार है, जो कि हम लोग अपने पसारा को कुछ दूरी से हम लोग अपने गांव हरोजा की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपको सारे रोडों का नज़ारा दिखाते हुए, गाँवों का नज़ारा दिखाते हुए चलते हुए। तो दोस्तों हम अभी कुछ दूरी पे हम बंगही पहुंचने वाले हैं, तो बंगही का कुछ नज़ारा दिखाते हुए आप लोगों को चलते हैं। तो दोस्तों कुछ मनोहरपुर भी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनल। तो मनोहरपुर से आगे जो थी बैरियां है, कुछ दूरी पे भी बैरियां अभी पहुंचने वाले हैं और बैरियां का आपको नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। और कुछ दूरी पर नारायणपुर भी आने वाला है, तो नारायणपुर का नज़ारा दिखाते हुए आपको चलते हैं। और कुछ यही है कि दोस्तों आप सब थी गांव पास में है, 1.5 किलोमीटर के अंदर में है, तो हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं आप लोग। तो नारायणपुर का भी आप लोग का पहुंच चुके हैं, नारायणपुर का नज़ारा आपको दिखा चुके हैं। तो दोस्तों आप भकवा पहुंचने वाले हैं, भकवा गांव, और इसका भी नज़ारा आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो कुछ दूरी पर हम बड़का गांव भी आने वाले हैं। दोस्तों बड़का गांव का भी आप लोग के सामने सब नज़ारा दिखाते हुए चल रहे हैं। और और कुछ दूरी पर हम लोग सतोड़ी भी आने वाले हैं, तो सतोड़ी भी अब कुछ दूर पहुँचने वाले हैं। और सारे नेचर फॉरेस्ट थी का आपको पेड़ों का नेचरों का नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। सतोड़ी भी आ चुके हैं दोस्तों, तो इसका सब सतोड़ी गांव का भी नज़ारा आप लोगों के सामने दिखाते हुए चल रहे हैं। और ये खास करके दोस्तों और पेड़ों और नेचरों का भी वीडियो थी आप लोग को दिखाते हुए चलते हैं। तो कुछ दोस्तों कुछ दूरी पे हम लोग करौड़ा भी पहुंचने वाले हैं, तो एक करौड़ा का भी नज़ारा आपको सब दोस्तों दिखाते हुए चलते हैं। और हाँ, तो दोस्तों फाइनली हम लोग सिकरौला भी पहुँच गए और सिकरौला के बारे में आप सबको नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों ये आज से 80 साल पहले का जो हमारे पुल उल बने हुए हैं, वो सब का भी आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो सिकरौल का अभी आपको मार्केट साइड का एरिया का आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ का जो भी है, जो कि यहाँ का फेमस है जलेबी, जो कि हम यहाँ बहुत खास करके जलेबी बहुत अच्छे यहाँ के फेमस है मिठाई। तो दोस्तों यही है कि हम लोग सिकरौल नज़ारा आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। और यहाँ आज से पहले 80 साल पहले जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे पुल, जो कि उसका भी हम आप सबको दिखाते हुए चलेंगे। चलिए देखते हुए चलते हैं। तो दोस्तों मतलब यहाँ से कुछ दूरी से हमारे गांव 2.5 किलोमीटर से करौलक से मतलब गांव हरोजा 2.5 से 3 किलोमीटर है, जो कि उसके बारे में भी तो अभी अब गांव की तरफ भी हम लोग चल दिए हैं। तो आपको सामने आप देखिए कुछ दूरी पर जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए पुलों को भी आपको दिखाते हुए चलते रहे, जो कि आपको ये एक बात और बता रहे हैं दोस्तों, जो कि एक साइड है कि एक नीचे से पानी जाता है, एक ऊपर से भी नहर है, साइड है, ऐसा बनाया हुआ गया हुआ है जो अंग्रेज़ों के द्वारा 80 पुराने है जो कि अभी तक ले टिके हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग सफ़र अपने गांव की तरफ सफ़र हम लोग कर रहे हैं। तो सिकौल से आगे जो कि धनेजा गांव है, जो कि ये देखिए यहाँ पुल साइड आपको दिख रहा होगा, ये जो कि अंग्रेज़ों के बनाए गए 80 साल पहले के पुल हैं, जो कि ये ऊपर वाले जो ये है इसके नीचे से भी पानी आपको जाता है। तो ये यहाँ से हम लोग फाइनली दोस्तों हम लोग सैफन पुल पे पहुँच चुके हैं। तो कुछ दूरी पे हम लोग अब धनेजा भी पहुँचने वाले हैं। तो पहले तो धनेजा गांव के बारे में भी आप सबको नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो कि अब सैफन पे, तो आगे चलते हुए आपको नज़ारा धनेजा गांव का भी दिखाते हुए नीचे और देखिए कुछ देर देखिए यहाँ से कुछ बच्चे भी गुजरेंगे जो कि अभी सुबह सुबह अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से चलते हैं धनेजा गांव का आपको दिखाते रहे हैं। तो आपको दिखाते हुए चल रहे हैं इस बात और जो धनेजा गांव के बारे में जो है आपको दिखाते हुए लेके चल रहे हैं। रोड का व्यूज और नेचर का भी आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। फाइनली हम लोग धनेजा गांव पहुँच चुके हैं। तो
आगे चलते हैं और दूसरे गांव का भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कट करेंगे रास्ते पर, जैसे आगे की तरफ जो कि बच्चे हमारे गांव के बच्चे आ रहे हैं, जो कि काफ़ी जो एक्साइटेड हैं, जो कि यहां से लोग मेरे गांव से 3 किलोमीटर और आने जाने का 6 किलोमीटर दूरी पर करते हैं। और यहां से हम लोग कुछ दूरी पर थे कुशवाहा डेरा पहुँचने वाले हैं, कुशवाहा डेरा भी हम लोग आने वाले हैं। कुशवाहा डेरा हम लोग फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं, इसके बाद कुशवाहा डेरा का भी कुछ नज़ारा आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। चलिए, और यहाँ गांव का भी आप सबको कुशवाहा डेरा का देखिए ईट का भी जो कि बनाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पनियारी भी पहुंचने वाले हैं, तो उसका भी हम लोग नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। और ये देखिए बच्चे हैं जो कि शौचालय बन जाने के बाद भी बाहर लाइटिंग करते हैं, और बड़ों को कोई समझदारी नहीं है कि बड़े भी वही काम करते हैं बाहर लाइटिंग शौचालय बन जाने के बाद। तो फाइनली हम लोग पनियारी डेरा पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग अपने गांव की तरफ रोड जाते हुए तो आप लोग अपने गांव का नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। तो यहाँ आगे देखिए आगे रोड कच्ची है, कच्ची सड़क है जो कि हमारे गांव के आगे से पक्की सड़क है। देखिए देखिए ब्रह्म बाबा जो कि हमारे गांव के हैं, आप जरूर करते हैं। और फाइनली देखिए आप अपने गांव का नज़ारा दिखाते हुए चल रहे हैं। और देखिए और दोस्तों वहाँ पर आपको कुछ दूरी पर आगे देखिए ये सब सारे गांव के ही जो लोग हैं जो कि अपने घर उग हैं, जो कि देखिए ये हमारे साथ गांव के और अब कुछ दूरी पर देखिए कुछ हमारे लेफ्ट साइड में एक ऑरेंज कलर का काली मंदिर है, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी है हमारे गांव के में है जो कि आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। तो ये देखिए गाया है जो कि आपको दिख रही होंगी। कुछ दूरी पे हम मेरे घर आने वाला है जो कि पहुंचने वाले ही हैं। हाँ बस थोड़ी दूर पे और आगे देखिए सब सारे कट गए। ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा जो ये मेरा घर है, तो चलिए आपको नए मेहमान से मिला। तो ये दरवाज़ा खुला हमारे, ये देखिए हमारे नए मेहमान जो कन्या, और ये हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हमारे। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं और एंड करने वाले हैं, तब तक के लिए गुड बाय बखैर। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दे, SR ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।